सही स्पेशल किया है। राधे राधे, आज मेरा एनिवर्सरी है, शादी को 40 साल हो गया। तो गाइस देखिए हमारे खाने में है पनीर की सब्जी है, पुलाव है, पूरी है। केक नहीं काट रहा था क्योंकि जिनका एनिवर्सरी था वो तो है नहीं, साथ बस भाभी अकेली थी। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज है 2 मई, आज मेरे घर में कुछ स्पेशल है तो मैं आप लोग को बताता हूँ स्पेशल क्या है। भाभी आइए बताइए स्पेशल क्या है। राधे राधे, आज मेरा एनिवर्सरी है, शादी को 40 साल हो गया। कितने साल हो गए? 4 साल हो गया। 4 साल तो आज क्या बनेगा घर में कुछ? आज बनाऊंगी पार्टी सेलिब्रेट, पनीर बनाऊंगी और पुलाव बनाऊंगी और खीर बनाऊंगी, पराठे बनाऊंगी। तो गाइस देख लो मेरे घर में इतना सारा आइटम बनेगा और पनीर तो मैं लेने जाना पड़ेगा मार्केट। हाँ जब लेकर आओ तो बनाऊ। तो गाइस मैं जा रहा हूँ पनीर लेने, फिर आप लोग से मिलता हूँ। अभी कोई मसाला भी चाहिए? नहीं मसाला नहीं चाहिए। सारा है मसाला? सारा मसाला है। बस पनीर पनीर लाना है और चावल चावल भी लाना। कौन सा वाला? बासमती चावल। अच्छा बासमती वाला, उसी का तो पुलाव बनेगा। अच्छा जो उसमें पुलाव में डालते हैं बादाम वगैरह सब है अपने? सब कुछ है। अच्छा ठीक गाइस मैं जा रहा हूँ, बाइक स्टार्ट किया जा रहा हूँ पनीर लाना। गाइस मैंने मार्केट से पनीर चावल और स्वीट लेके आया है। दीवी सानवी क्या खा रही? कौन लेके आया? बर्थडे पड़ता है या एनिवर्सरी पड़ता है तो हम केक बहुत रेयर काटते हैं, हम ज्यादा करके भगवान को भोग लगाते हैं। सबको भाभी जी लगा रही हैं, ये देखिए लड्डू गोपाल को, ये हमारे घर का मंदिर है और भाभी जी देखो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं लड्डू गोपाल से, तो हम केक नहीं काटेंगे ये करेंगे। कहीं देखिए लड्डू गोपाल खा रहे हैं हमारे, भाभी जी मिठाई खिला रहे हैं माता जी को। लड्डू खाते हैं फला सुहाग रहो, बड़े हो या उम्र आपकी लंबी हो। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। ये लो बेटा, आज मम्मा की एनिवर्सरी है लल्ला, आज के दिन आपके मम्मा का शादी हुआ था इसलिए खिला रही है आपको। कैसा लगा आपको? लगा। अच्छा अच्छा अब उसी पर था। गाइस हम सानवी नहाने जा रहे हैं, नहाओगे मेरे साथ? चलो नहाते हैं। आओ सानवी नहा लो। गाइस फिलहाल मैं नहा धो के रेडी हो गया और तो खाने पीने में बहुत अच्छा पकवान बना है। मैं देख रहा हूँ पहले कुछ बना भी है कि नहीं, ऐसे बोल रही थी, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। लंच का टाइम हो गया मेरे नहीं क्या? चलो फिर भाभी भी लगा रही खाना। चलो भाई देखो माँ जी कथा सुन रही है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का। घूमने चलोगे? चलो फिर, आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो। कौन लाया आपका टॉप? अच्छा दादी लाई है। तो गाइस देखिए हमारा लंच आ गया है, हमारे लंच में आज बहुत सारा आइटम बना हुआ है। अब माता जी भी बैठ गई हैं, भाभी जी भी बैठ गई हैं। सानवी आओ अभी आ जाओ, खाओगे नहीं क्या? तो गाइस देखिए सानवी को खाना खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको बस खेलना है। अब बाहर की जैसे चॉकलेट हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, फ्रूटी हो गया, उसको ये सब इंटरेस्ट रहता है, खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। खाना कुछ नहीं लगता क्या सानवी? हाँ खाओगे आ जाओ, खाओगे। तो गाइस देखिए हमारे खाने में है पनीर की सब्जी है, पुलाव है, पूरी है और खीर है। ये सानवी को खिलाओ, चलो भाभी आप लोग भी खा लो और पानी ले लेना अच्छे से, खाओगे? पहले सानवी खिला दो। मम्मी का मोबाइल देखना, मम्मी का मोबाइल देखा बिना कार्टून देखे खाना नहीं खाती लड़की। ये क्या सिस्टम है? लेके आती हूं, जा के आ जाओ अभी आप भी चला दो बढ़िया बना। कितना टाइम लगा बनाने में? मोबाइल इसको पकड़ाओ पहले, मोबाइल लो सानवी। गाइस देखिए सानवी बहुत बिगड़ गई है, बिना मोबाइल देखे खाना नहीं खाती है, मोबाइल देखे खाना नहीं खाती है। ये क्या आप लोगों ने बिगाड़ दिया है इसको? जिद मचा के लेकिन खाना नहीं खाएगी, मोबाइल नहीं रहेगा इसका मतलब खाना नहीं खाएगी। आपका है आज एनिवर्सरी है, आपका दिन है आज, आपने बनाया, आप भी खाने में लेट कर रहे हो, हमारा तो आधा खाना खा गया। महाराज जी भी देखो खा रही है, चलो खाओ आप भी। इनमें कैसा बना है? टेस्टी है, ठीक है। अरे तो भाभी मन लगा के बनाई है, उसे पता है भाभी की एनिवर्सरी है, खराब होगा तो भाभी को सुनना पड़ेगा। गाइस हम लोगों ने केक नहीं काट रहा था क्योंकि जिनका एनिवर्सरी था वो तो है नहीं, साथ बस भाभी अकेली थी,
तो हम लोगों ने बस ऐसे खाना बना लिया घर पे, अच्छा खासा बना लिया खाना और फैमिली के साथ बना लिया, बस छोटा मोटा बना लिया गाइस बहुत है। और जो बचा खुचा रहेगा गाइस तो वहाँ पे बना लेंगे, दिल्ली में जो फैमिली सारे साथ में है तो वहाँ बना लेंगे, हो सकता है वहाँ पे केक काटेंगे। गाइस यार भैया की बहुत याद आ रही है, उनका एनिवर्सरी था, साथ में है नहीं, हर साल हम लोग साथ में होते थे, तो गाइस उनका ये 4th एनिवर्सरी है, हम लोग घर पे गाँव में है, गाँव में आ गए ना तो काफी टाइम पर हम लोग गाँव में आए हैं, उनको बुलाया भी था गाइस तो आए नहीं, बोल रहे हैं ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पा रहे हैं, तो गाइस काम भी करना जरूरी था, देख लो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर लो। गाइस देखिए सानवी का बहुत सारा चॉकलेट लेके आया हूँ, सानवी कितना खुश है, देखो सानवी निकाल रही है, अनबॉक्सिंग कर रही है। सानवी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कौन लेके आया? चाचा। चाचा निकालो। आप सारा खाते हो सानवी? बहुत सारा है ना, किसको किसको दोगे? सानवी आप दुकान लगाए हो क्या? हाँ। अच्छा बेच रहे हो क्या? हाँ। अच्छा क्या क्या बेच रहे हो बताओ मुझे। मैं चॉकलेट की मेला लगाई सानवी। आज ही करना, बाहर जाके लगाओ मार्केट में मेला, खूब बिकेगा आपका। अच्छा अच्छा बाहर लगेंगे तो कोई लेके चला जाएगा। अच्छा गाइस सानवी इतना ज्यादा खुश है, आज उसके मम्मा का एनिवर्सरी था तो सानवी को भी हो गया है और चॉकलेट वगैरह बहुत सारा मिल गया। अब तो हम लोग पार्टी कर रहे हैं उसकी कोल्ड ड्रिंक की, तो पिताजी को देते हैं फिर उसके बाद सबको देंगे, डाल दो। देखो पिताजी को दे दिया कोल्ड ड्रिंक, पी लो। गाइस हमारा भी आ गया है, देखो माता जी भी पी रही है, हमारा भी कोल्ड ड्रिंक आ रहा है, हम लोग पी रहे हैं। भाभी का एनिवर्सरी बहुत अच्छा खासा चला गया, मन गया। अभी आप पिछली बार एनिवर्सरी कहाँ मनाए थे? वृंदावन में ना, कितना अच्छा वहाँ होगा ना इस बार तो। चलो इस बार घर मेरा पूरी फैमिली भी है, लेकिन आपके हस्बैंड नहीं है, चलो कोई नहीं। अब अभी कोल्ड ड्रिंक पी लो, क्या हुआ? क्योंकि आज तो स्पेशल तो आपका ही दिन है, तो आपको ज्यादा से आपको पूरा पीना है, 1.5 लीटर 2 लीटर पूरा पीना, जितना बचा है आपको पीना है, क्योंकि आपका ही दिन है आज। नहीं आज का आपका दिन स्पेशल है, जो आप कहोगे वही होगा। इस टाइम 8:20 हो गया, अब इस ब्लॉग को मैं ही एंड कर देता हूँ। आई होप कि आप लोग को मेरा ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।